सत्य निष्ठा की शपथ लेनी है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करना है। नियम धैर्य से चर्चा हुई और चर्चा के बाद आना हुआ बस। किस तरह देखते हैं सर, आज आपने अनाउंसमेंट कर दी है कि 1500 भी पहली कैबिनेट में दे देंगे, ओपीएस की बहाली भी कर देंगे। अगर कोई अनाउंसमेंट की होगी तो सोच समझ कर चर्चा और विचार करके की होगी। दो चीज़ें समझने की है कि जो हमने 1500 रुपया देना है वो 5 साल में देना है, तो क्या योजना हम लेके आएंगे वो तो हम अभी खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन 1500 की शुरुआत हो जाएगी और 3-4 साल में उसको हम कंप्लीट कर देंगे। सबसे बड़ी योजना तो ये है महिलाओं के लिए 18 साल से ऊपर की जो भी है। दूसरी ओपीएस की है, उसका भी खाका तैयार कर लिया गया है। उसका खाका हम अपने रिसोर्सेज से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार तो हमें बजट देगी नहीं, पैसे देगी नहीं। ये वही अधिकारी है जो पिछली सरकार में, तो मैंने तो बदलाव किया नहीं, लेकिन मैंने इनको कहा कि हल निकालिए, हल निकाल दिया। तो मैंने तो आज अपने भाषण में भी कहा, एक भी अधिकारी को बदला नहीं किया, उन्हीं से समस्या का हल निकाला गया और खुद बैठकर हमने समस्या का हल निकाला गया। हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा निकली है प्रतिबद्ध है। पहली कैबिनेट हमारी जल्दी ही आने वाली है, उस पहली कैबिनेट में हम ये पूरी चीज़ें लेके आ रहे हैं और जब कैबिनेट होगी, पूरी फुल कैबिनेट होगी, उसमें ये लागू कर दी जाएगी। 1 लाख लोगों के लिए रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें सरकारी क्षेत्र में भी रोड मैप है। पहले उसको पढ़ना है, सरकारी क्षेत्र के बाद 5 साल में देना है और निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं देख रहा हूँ कई चैनल ऐसे लिखते हैं, उनको भी थोड़ा सा हमारा विरोध रहेगा कि हम जो नीति लेके आ रहे हो हिमाचल के हित की नीति लेके आ रहे हैं, इस दृष्टिकोण से कार्य करें। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष लगातार तंज कस रहा है कि काफ़ी दिन हो गए हैं मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है, कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा? नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार तो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है ना, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात कर रहा हूँ कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आज़ादी के बाद से अभी तक हमने मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं किया? क्योंकि जो मंत्री बनने हैं और जिन विधायकों की राय है उसको सबको समावेश करके कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो इस प्रकार की बात करते हैं कि कोई ऐसा न्यूज चला देता है कि पता नहीं कांग्रेस के विधायकों में कितने विधायक हैं, तो हमने उनको भी मौका दिया है कि भाई तुम भी अपना, दिल्ली में केंद्र में आपकी सरकार है, आपको भी मौका हमने दिया है कि जो विधायकों को बात करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वो तो अब नज़र आ गया। आज 22 दिन में भी कुछ नहीं हुआ, तो कांग्रेस की इसकी स्थिरता पता लगती है कि कांग्रेस स्थिरता से आगे बढ़ रही है, दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ रही है। सर, आज और मंत्रिमंडल की बात जो लोग करते हैं वो तो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र और हाईकमांड के अधिकार क्षेत्र में कब होगा? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ पत्रकार बंधुओं को कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन होगा आपको तुरंत प्रभाव से बता दिया जाए। सर, रैली में एक आईपीएस अफसर की भी मृत्यु हुई है क्या? हाँ, मुझे जब पता लगा तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उन्हें तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर मैं और पोस्टमार्टम के बाद ये पाया गया कि उन्हें बहुत तेज हार्ट अटैक आया, जिसके कारण एक काबिल अफसर की देहांत हुआ। और फिर मैं उनके परिवार से भी मिला हूँ। अब ये आकस्मिक मृत्यु निधन पर पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे हिमाचल की जनता के साथ है, क्योंकि हम मेरे को ये मैंने अभी पाया है कुछ दिनों में कि युवाओं को भी हार्ट अटैक हो रहा है और हिमाचल प्रदेश में हार्ट अटैक लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम देख रहे हैं कि क्या कारण रह रहे हैं कि हार्ट अटैक जो हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ। सरकार की तरफ से कोई सहायता की जाएगी परिवार के? बिल्कुल सहायता की जाएगी। एक तो ये सरकार तुरंत निर्णय लेने में
विश्वास शक्ति है। मैंने डीजीपी साहब को बोला कि आप जाइए, हमारी तरफ से पूरा उनको सम्मान दीजिए, क्योंकि डीजीपी साहब ने कहा कि आज शपथ समारोह है, मुझे डीजीपी होने के नाते रुकना पड़ता है। तो मैंने बोला नहीं, आपके अधिकारी की देहांत हुआ है, आप जाइए और जाकर उनके पूरा हमारी तरफ से भी वो दीजिए। अगर ओथ समय पर ख़त्म होगी और उनका फिनल हुआ तो हो सकता है मैं भी वहाँ जाऊँ। सर, आपने जैसे आज बैठक हुई है तो क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों पर भी चर्चा हुई विधानसभा के को लेकर? नहीं, उपाध्यक्ष का तो फैसला हम सवेरे करेंगे। हेलीपोर्ट बनने चाहिए, अगर एयरपोर्ट अभी बन नहीं पाते, और मुझे बड़ी खुशी है कि हेलीपोर्ट की दिशा में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। कुछ जगह जो पहले जगह दो दो साल तक विभाग के नाम पर नहीं होती थी, चार जगह विभाग के नाम पर हो गई है हेलीपोर्ट का, उनकी हम जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया में भी जाने वाले हैं। यहाँ का एफसीए केस चला गया है हेलीपोर्ट का, हेलीपोर्ट में चेक इन और चेकआउट की फैसिलिटी जो होती है एयरपोर्ट की तरह फैसिलिटी है। जब हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हेलीपोर्ट से कनेक्टिविटी में आ जाएंगे तो टूरिज़्म अपना ज़्यादा बढ़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 10-11 करोड़ रुपया तो जो अलायंस एयरलाइंस की लाइन चलती है शिमला से धर्मशाला के लिए उसके लिए दे रहे हैं, और उसके बाद हम दे रहे हैं जो हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री के लिए लिया जाता है उसके लिए हम साल का 12-15 करोड़ रुपया दे रहे हैं, एक साल में 20-25 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और 20-25 करोड़ रुपया देने के बावजूद भी हम हेली टैक्सी की सेवा अपने आम नागरिकों को उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेंगे तो हम हेलीपोर्ट और हेली टैक्सी कैसे शुरू कर पाएंगे। तो इस दृष्टि में 12 डिस्ट्रिक्टों में बहुत तेज़ी से काम हुआ है, और एक साल के भीतर मुझे लगता है कि 1 या 1.5 साल में हमारे पूरे हेलीपोर्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ जाएंगे। और आप सब लोगों को भी कभी शिमला आने की दिक्कत होगी तो यहाँ से 40 मिनट में आप शिमला पहुँचेंगे 1.5 साल बाद, क्योंकि पहले हेलीपोर्ट। सर, धर्मशाला को दूसरी राजधानी देने क्या दर्जा अभी पेंडिंग है, सर क्या विचार है आपका? धर्मशाला पहले ही हमारा शिमला एक राजधानी है, ये राजनीतिक इश्यूज होते हैं कि दूसरी राजधानी नहीं देनी, हमने संस्थान मजबूत करने।